नदी का जादुई लाल लिपस्टिक और लहंगा। गंगापुर नामक गांव में प्रिया और शिवानी नाम की दो बहनें रहती थी। दोनों ही बहुत छोटी थी। एक रात उसके पिता मजदूरी करके घर लौट रहे थे, तभी अचानक एक कार की चपेट में आ जाते हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद प्रिया की माँ सुनीता किसी तरह अपने आप को संभालती है और खुद भूखे रहकर अपनी दोनों बेटियों के लिए दिन रात मेहनत करके सिलाई का काम करना शुरू कर देती है। सिलाई करके भी सुनीता अपना और अपनी बेटियों का परवरिश अच्छे से नहीं कर पा रही थी। वह खुद भूखे रहकर अपनी दोनों बेटियों का किसी तरह से पालन पोषण करती थी। सुनीता को भूखे रह रहकर काम करने की वजह से एक दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तभी शिवानी अपनी बड़ी बहन प्रिया से कहती है, दीदी माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? दीदी माँ हमारे साथ कोई खेल खेल रही है क्या? बताओ ना दीदी, माँ को क्या हुआ है? माँ माँ प्लीज माँ उठो ना माँ, अब बोल क्यों नहीं रहे हो? शिवानी माँ अब हमसे कभी बात नहीं करेगी क्योंकि वो हम दोनों को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर जा चुकी है और अब हम दोनों बहनें अनाथ हो गए हैं। अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरी बहन। ऐसा बोलकर दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और प्रिया हिम्मत करके अपने आप को संभालती है और वह अपना और अपनी बहन का पेट पालने के लिए अपनी माँ की तरह ही सिलाई करने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, तभी एक दिन शिवानी अपनी बड़ी बहन प्रिया से कहती है, दीदी कब तक आप ऐसे ही काम करती रहोगी? चलो उठो, अब चलकर खाना खा लो। दीदी बहुत रात हो चुकी है, बाकी का काम आप कल कर लेना। नहीं शिवानी, तुम खाना खाकर सो जाओ, मुझे तो अभी एक सूट और सिलना बाकी है। अगर मैं मेहनत करके सिलाई नहीं करूँगी तो हमारा पेट कैसे भरेगा? पेट भरने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है दीदी, अब मैं भी आपके साथ कपड़े सिलने में आपकी मदद क्या करूँगी। और फिर दोनों बहनें मिलजुल कर काम करने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था, दोनों बहनें अब बड़ी हो चुकी थी। तभी एक दिन पड़ोस में रहने वाली बिमला काकी प्रिया के घर आती है और प्रिया से कहती है, अरे ओ प्रिया, प्रिया कहाँ है? अंदर आ जाओ काकी, मैं अभी प्रिया दीदी को बुला कर लाती हूँ। तभी बिमला काकी घर के अंदर आती है और प्रिया से कहती है, अरे ओ प्रिया बेटी, मेरी बेटी नेहा का लहंगा सिल गया है क्या? हाँ हाँ काकी, लहंगा सिल गया है। आखिर मैं भला अपनी सहेली नेहा की शादी को कैसे भूल सकती हूँ? ये लो काकी, ये रहा नेहा की शादी का लहंगा। अच्छा ठीक है, और हाँ सुनो, नेहा ने तुम दोनों बहनों को भी शादी में बुलाया है तो तुम दोनों बहनें भी आ जाना। ठीक है काकी, हम दोनों बहनें बारात आने से पहले ही पहुंच जाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों जरा ढंग के कपड़े पहन कर आना। एक तो तुम्हारी काली सी शकल है, ऊपर से तुम्हारे ये घिसे पीटे मैले कपड़े। अरे मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ, हो सकता है इसी बहाने शादी में आए हुए कोई लड़के वाले को तुम पसंद आ जाओ, वरना इस गरीबी और काले रंग की वजह से तुम्हारी शादी तो होने से रही। एक तो तुम दोनों अनाथ हो, ऊपर से काला रंग रूप, मुझे तो तुम दोनों बहनों पर बहुत तरस आता है, पर क्या करूं? अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर पर बहुत काम है। बिमला काकी की कड़वी बातें सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ जाता है। तभी शिवानी बोलती है, अरे मेरी प्यारी दीदी, आप इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, इनका तो काम है बोलना, इनकी बातों को अपने दिल से मत लगाओ। आप देखना, बहुत ही जल्द आपके ख्वाबों का शहजादा आपको मिल जाएगा। और यह रंग रूप से कुछ नहीं होता, इंसान को तो दिल से सुंदर होना चाहिए और आप दिल के बहुत ही सुंदर हो। शादी वाले दिन दोनों बहनें साफ सुथरे कपड़े पहनकर बारात आने से पहले ही नेहा के घर पहुंच जाती है। तभी दोनों बहनों को देखकर नेहा की दादी बोलती है, हे भगवान, ये कैसा घिसा पीटा सूट पहनकर आई हो तुम दोनों बहनें? अरे अपनी खास सहेली की शादी में इतना फीका और बेरंग कपड़े पहनकर आई हो? आज हमारी इकलौती पोती की शादी है, कोई मातम नहीं है जो इतना घिसा पीटा मटमैला सा सूट पहनकर आ गई हो। क्यों रे मनुष्य लड़कियों, तुम दोनों अनाथ बहने अपनी एक काली कलूटी सी शकल लेकर शादी में आ गई? तुम दोनों को देखकर बारात वाले भला क्या सोचेंगे?
मेरी बेटी के घर बसने से पहले ही तुम दोनों उसका घर उजाड़ने की सोच रही हो। खुद तो तुम दोनों बहनों को कोई लड़का पूछ नहीं रहा और आ गई मुंह उठाकर दूसरी की शादी को बर्बाद करने के लिए। अरे हाँ बहन, कुछ समझाओ इन दोनों अनाथ बहनों को। मुझे तो इन दोनों को देखकर बहुत तरस आता है। मैंने तो इसे लाख दफा समझाया है कि मेरे भाई अमरनाथ से शादी कर ले। माना कि वो दो बच्चों का बाप है, लेकिन पहली बीवी तो मर चुकी है ना। अब इन दोनों बहनों को तो कोई राजकुमार मिलेगा नहीं। फिर भी न जाने इन दोनों बहनों को किस बात का घमंड है जो मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आंटी, अब बस बहुत हुआ, बस कीजिए आप लोग। आप लोगों का हम दोनों बहनों पर उल्टा सीधा बोलने का कोई हक नहीं है। लो जी, सुन लो इनकी बातें। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अच्छी बातें तो मिर्ची की तरह लगती है, शकल काली कलूटी सी है तब तो इतनी अकड़ है। भगवान ने थोड़ा रंग रूप अच्छा दिया होता तो पता नहीं क्या करते ये दोनों बहने। यह सब सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ जाता है और वह रोते हुए वहां से नदी के किनारे आ जाती है। नदी किनारे आकर प्रिया बोलती है, अब बस बहुत हुआ। माना कि मैं गरीब हूँ, अनाथ हूँ, बस सूरत हूँ, लेकिन इन सब में मेरी क्या गलती है। अब तो गांव वाले भी ताना मार मार कर मेरा जीना दुश्वार कर दिए हैं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। यह बोलकर प्रिया नदी में कूदने के लिए जैसे ही अपना पैर नदी में बढ़ाती है, नदी के अंदर अपने आप एक रास्ता बन जाता है और प्रिया सोचती है, अरे ये क्या, ये नदी के अंदर अचानक से रास्ता कैसे बन गया। तभी प्रिया को एक आवाज सुनाई पड़ती है, प्रिया बेटी, तुम इस रास्ते से नदी के बीचों बीच आ जाओ, डरो मत, आओ प्रिया। उसके बाद प्रिया उस रास्ते पर चलते हुए नदी के बीचों बीच पहुंच जाती है। तभी उस नदी में से फिर से आवाज आती है, डरो मत प्रिया, मैं एक जादुई नदी हूँ। मैं कब से सच्चे और अच्छे दिल के लोगों की मदद करना चाह रही थी, लेकिन आज तक यहाँ कोई भी सच्चा इंसान नहीं आया। तुम पहली ऐसी इंसान हो जो मेरे पास आई हो। मुझे तुम सच्ची और नेक दिल लगती हो, लेकिन तुम यह बताओ, तुम इस नदी में कूदकर अपना जान क्यों देने जा रही थी। जान ना दो तो और क्या करूं जादुई नदी जी। माँ पिताजी की मृत्यु के बाद मैं और मेरी बहनें अनाथ हो गए हैं। और थोर मेरे इस काले रंग की वजह से मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ लोग मुझे खूब ताने देते हैं। हम दोनों बहनें मिलकर किसी तरह से सिलाई करके अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन गांव वालों से यह भी देखा नहीं जाता। वो हमेशा मेरे काले रंग को लेकर शादी के लिए ताना देते रहते हैं। अच्छा तो ये बात है, तुम चिंता मत करो प्रिया, मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा और एक जादुई लाल लिपस्टिक देती हूँ। तुम इस जादुई लहंगे से जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा। और हाँ, घर जाकर सबसे पहले तुम इस जादुई लाल लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाना। इस लाल लिपस्टिक को लगाते ही तुम्हारा यह काला सा रंग दूध जैसा सफेद हो जाएगा। यह सुनकर प्रिया खुशी खुशी जादुई नदी से जादुई लहंगा और लिपस्टिक लेकर घर आ जाती है। तभी प्रिया की बहन शिवानी प्रिया से बोलती है, दीदी आप शादी में मुझे अकेला छोड़कर अचानक से कहाँ चली गई थी। दीदी मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। मुझे पता है दीदी, आपको उन लोगों की बातों का बहुत बुरा लग रहा था ना। दीदी मुझे भी उन लोगों की बातों का बहुत बुरा लग रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि दो चाटे मारकर आ जाऊं उनके मुंह पर। पर दीदी ये आपके हाथों में क्या है, इतना सुंदर लहंगा और लिपस्टिक ये आपको किसने दिया। दीदी शिवानी अब देखना, यह लहंगा और लिपस्टिक से पूरे गाँव वालों की बोलती कैसे बंद हो जाएगी। शिवानी यह लहंगा और लिपस्टिक जादुई है और यह मुझे जादुई नदी ने दिया है। जादुई लहंगा और जादुई लाल लिपस्टिक, यह कैसे हो सकता है दीदी। रुक जाओ शिवानी, मैं अभी बताती हूँ। हे जादुई लहंगा, मुझे कुछ पैसे दे दो। प्रिया के इतना बोलते ही जादुई लहंगे में से एक तेज रोशनी निकलती है और वहाँ पर पैसों की बारिश होने लगती है। देखते ही देखते वहाँ पर पैसों की ढेर लग जाती है। अरे वाह दीदी, ये तो सच में जादुई लहंगा है। दीदी इस लिपस्टिक में कौन सा जादू है। रुको शिवानी, इस लिपस्टिक की जादू भी मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। इतना बोलकर प्रिया उस जादुई लाल लिपस्टिक को अपने होठों पर लगा लेती है।
लिपस्टिक को लगाते ही प्रिया बहुत ही सुंदर लड़की में बदल जाती है। तभी शिवानी अपनी बड़ी बहन प्रिया से बोलती है, अरे वाह दीदी, आप तो बिल्कुल राजकुमारी जैसी लग रही हो। आप देखना हमारी प्यारी सी बहन को कैसे राजकुमार जैसा लड़का मिलता है। शिवानी, इस जादुई लहंगा और जादुई लाल लिपस्टिक की वजह से हमें भी इन गांव और समाज में सर उठाकर जीने का हक मिल गया। अब हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है मेरी बहन। उसके बाद दोनों बहनें उस जादुई लहंगे की मदद से रहने के लिए एक सुंदर सा घर मांगती है और फिर खाने पीने और जरूरत की सारी सामान भी मांगती है। अब दोनों बहनों के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। उनके पास अब बहुत सारा धन भी था और सुंदरता भी। अब ये दोनों बहनें अपने साथ साथ गांव के गरीब और असहाय लोगों की मदद भी करती है। फिर कुछ दिनों के बाद प्रिया के लिए एक बहुत ही बड़े घर से रिश्ता आता है और प्रिया की शादी पक्की हो जाती है। इतनी खुशियां देखकर प्रिया की आंखों में आंसू आ जाता है। तभी शिवानी अपनी बहन प्रिया से बोलती है, दीदी आप रो क्यों रही हो, आज तो बहुत ही खुशी वाला दिन है ना। आज आपकी शादी है और आप ससुराल चली जाओगी, अपने पति के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताओगी। शिवानी, मैं तुम्हारे बगैर ससुराल में अपना जीवन कैसे बिताऊंगी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी शिवानी। अरे दीदी आप मेरी चिंता क्यों कर रही हो, जादुई लहंगे की वजह से अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है मुझे, और अब सब कुछ पहले से बहुत ही अच्छा हो चुका है। और आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो, आप खुशी खुशी अपना ससुराल जाओ। शिवानी जादुई लहंगे से ढेर सारे पैसे मांगकर अपने पूरे घर को अच्छे से सजाती है। अब गांव वाले दोनों बहनों के रंग रूप को बदला देखकर हैरान थे कि अचानक ये दोनों बहनें इतना अमीर कैसे हो गई। शादी वाले दिन दोनों बहनें खूब बन ठन कर तैयार हो जाती है। दोनों बहनें बहुत सुंदर लग रही थी। शिवानी को देखकर प्रिया कहती है, अरे वाह, इस गुलाबी लहंगे में तो मेरी बहन बिल्कुल परी की जैसी लग रही है। दीदी आप भी बहुत प्यारी लग रही हो। और बहुत ही धूमधाम से प्रिया की शादी हो जाती है। वही शादी में आए हुए लड़के के एक दोस्त को शिवानी बहुत ही पसंद आ जाती है और फिर कुछ ही दिनों बाद शिवानी की भी शादी हो जाती है। और फिर इसी तरह दोनों बहनों की जिंदगी बदल जाती है और दोनों बहनें अपने ससुराल में हंसी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है। बाढ़ में गरीबों का नाव में घर। एक समय की बात है, बेलापुर गांव नदी के एकदम किनारे पर था, जिसकी वजह से वहां हर साल बाढ़ जैसी समस्याएं पैदा हो जाती है। वहां हर साल गांव के लोगों को बाढ़ की वजह से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, क्योंकि बाढ़ आने की वजह से पूरे गांव में पानी भर जाता था और गांव वालों के कच्चे घर बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब जाते थे, जिसकी वजह से गांव वाले पूरी तरह से बेघर हो जाते थे। और इस बात को लेकर गांव वाले हमेशा परेशान रहा करते थे। हे भगवान, हमारे गांव में हर साल इसी तरह से बाढ़ आती है और हम लोगों का पूरा घर पानी में डूब जाता है। भला हम ऐसे कब तक अपनी जिंदगी गुजार पाएंगे, पता नहीं कब हमें इन सब से छुटकारा मिलेगा। उस गांव में हर कोई गरीब था और सभी के कच्चे मकान थे, सिवाय मनमोहन के। मनमोहन एक घमंडी किस्म का व्यापारी था। उसके पास बहुत सारा पैसा था और पूरे गांव में उसी का दो मंजिले का पक्का मकान था, जिसमें वो आराम से रहा करता था। उसके जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। और ऐसे ही इस बार भी गांव में बहुत ही भयानक बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से गांव के सभी लोगों के घर पानी में पूरी तरह से डूब जाते हैं और वो लोग रोड पर आ जाते हैं। उसी समय गांव का एक आदमी महेश कहता है, सुनो सब लोग, हम लोगों का घर पूरी तरह से पानी में डूब चुका है, इसलिए अब हम वहाँ नहीं रह सकते, तो क्यों ना हम लोग मनमोहन काका से चलकर मदद मांगते हैं, शायद वो हमें अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दे। महेश की ये बात सुनकर उसकी पत्नी मीनाक्षी कहती है, अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपको तो पता है ना कि मनमोहन काका कितने घमंडी है और हम जैसे गरीब लोगों को तो वो मुंह तक नहीं लगाते, तो भला वो हमारी मदद क्या करेंगे। अरे हाँ हाँ, मीनाक्षी भाभी बिल्कुल सही कह रही है, वो हमारी मदद कभी नहीं करेंगे।
अरे मुझे पता है कि वो घमंडी है, लेकिन शायद इस बाढ़ जैसी समस्या को देखकर उन्हें हम लोगों पर तरस आ जाए और वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ऐसे समय पर तो एक अनजान भी मदद करने से पीछे नहीं हटता, वो तो फिर भी हमारे गांव के ही हैं। चलो हम लोग एक बार उनसे बात करके देखते हैं। इतना कहकर गांव के सभी लोग बाढ़ के पानी में डूबते हुए मनमोहन के घर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसका दरवाजा खटखटाने लगते हैं। उसी समय मनमोहन दरवाजा खोलता है और कहता है, अरे क्या बात है, तुम सब लोग मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो? काका, हम लोग आपसे यहाँ मदद मांगने आए हैं। बाढ़ की वजह से हम लोगों का घर पानी में पूरी तरह से डूब चुका है, इसलिए हम लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो आप हम लोगों को कुछ दिनों तक अपने घर में रहने दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने घर में तुम जैसे गरीब लोगों को रहने दूंगा, और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात करने की? काका, भगवान ने आपको इतना कुछ दिया है इसलिए आप बहुत खुशकिस्मत हो, लेकिन ऐसे बुरे वक्त में हम लोगों की मदद करना भी तो आपका फर्ज बनता है ना? नहीं, बुरा वक्त तुम जैसे गरीब लोगों का आता है, मुझ जैसे अमीरों का नहीं, इसलिए तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ और दोबारा यहाँ नजर मत आना। इतना कहकर मनमोहन ने उन लोगों के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया और वो लोग निराश होकर वापस से पानी में ही रहने लगे। और ऐसे ही कई दिनों तक बारिश में बिना कुछ खाए पिए वो लोग अपने आप को बाढ़ के पानी से बचाते रहते हैं। और यह सब देखकर देवलोक में बैठे भगवान नाराज हो जाते हैं और गुस्से में आकर वो मनमोहन के घर पर बिजली गिरा देते हैं। और देखते ही देखते मनमोहन का घर पूरी तरह से पानी में गिरकर चकनाचूर हो जाता है और उसी बीच मकान के नीचे दबकर मनमोहन की जान चली जाती है। और ये देखकर गांव वाले कहते हैं, आखिर भगवान ने उसके जैसे घमंडी इंसान को अपने पास बुला ही लिया, भगवान कभी भी हम लोगों के साथ बुरा नहीं होने देंगे। हाँ हाँ, सही कहा तुमने, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे, वो हम लोगों को इस तरह मरने नहीं देंगे। इतना कहकर गांव के सभी लोग हाथ जोड़कर भगवान को याद करने लगते हैं। वहीं मनमोहन यमराज के पास पहुंच जाता है और अपने आप को यमराज के सामने देखकर मनमोहन फूट फूट कर रोने लगता है। और उसे रोता देखकर यमराज कहता है, आखिर तुम यहाँ आज आ ही गए मनमोहन, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। हे यमराज, आखिर मेरी गलती क्या है, मुझे क्यों इतनी जल्दी अपने पास बुला लिया? क्योंकि तुम एक बहुत ही घमंडी और अभिमानी इंसान हो, तुम्हें अपने गांव के गरीब लोगों पर जरा भी तरस नहीं आता। अरे इतने बुरे वक्त में भी तुमने उन बेचारे गांव वालों की मदद करने से मना कर दिया, और ऐसे समय पर खुद गर्ज बनना एक बहुत बड़ा पाप है, और इसी वजह से तुम्हारे पापों का घड़ा पूरी तरह से भर चुका था, इसलिए स्वयं भगवान ने ही मुझे तुम्हें यहाँ बुलाने का आदेश दिया था। मुझे माफ कर दीजिए यमराज, मैं अपने पैसों के घमंड में इतना खो गया था कि मुझे औरों का दर्द दिखाई ही नहीं देता था, लेकिन मुझे अब समझ में आ चुका है, इसलिए मुझे अपनी गलती सुधारने का सिर्फ एक मौका दीजिए, मुझे वापस से धरती पर भेज दीजिए। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब तो स्वयं भगवान के हाथों में है, इसलिए तुम्हें स्वयं भगवान से ही प्रार्थना करनी होगी। इतना सुनकर मनमोहन हाथ जोड़कर भगवान को याद करने लगता है और ये सुनकर भगवान स्वयं यमलोक में प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, बताओ मनमोहन क्या चाहिए तुम्हें? मुझे माफ कर दीजिए भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मैं अब अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे फिर से धरती पर भेज दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता मनमोहन, मैं तुम्हें वापस से मनुष्य के रूप में धरती पर नहीं भेज सकता, क्योंकि इंसान के रूप में जन्म लेने के लिए हमें पुण्य कमाना पड़ता है और इसके लिए तुम्हें अभी बहुत मेहनत करनी होगी, इसलिए मैं तुम्हें एक कौवे के रूप में धरती पर भेज सकता हूँ, और अगर तुमने उस अवतार में गाँव वालों का भला किया तो तुम्हें वापस से मनुष्य रूप प्राप्त हो जाएगा, तथा अस्तु। इतना कहकर भगवान ने मनमोहन को एक कौवे के रूप में धरती पर भेज दिया
और मनमोहन अपने गांव में एक कौवे के रूप में वापस आता है और वो एक पेड़ पर बैठकर गांव वालों की इस बुरी हालत को देखने लगता है कि कैसे वो लोग तेज बारिश में पानी के बीचों बीच खड़े हैं। उनके सीने तक पानी आ चुका था और लगातार बारिश और तेज हो रही थी। अरे अगर इसी तरह से बारिश तेज होती गई तो हम लोग ज्यादा देर तक इस पानी में नहीं टिक पाएंगे, फिर हम लोग अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे? उसी समय महेश की बेटी रिंकी कहती है, बाबा मैं डूब रही हूँ, मुझे बचाओ। रिंकी के सर तक पानी आ गया था, तभी महेश उसे अपने कंधे पर बैठा लेता है। अरे हम लोग कब तक ऐसे बचे रह पाएंगे, कुछ ही देर में पानी हमारे सर तक आ जाएगा और हम पूरी तरह से डूब जाएंगे। भगवान पर भरोसा रखो मीनाक्षी, वो हमें ऐसे मरने नहीं देगा। पेड़ पर बैठा मनमोहन ये सब देख रहा होता है और ये सब देखकर उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। हे भगवान, मुझसे ना जाने अनजाने में कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने अपने घमंड में चूर होकर इन गरीब लोगों के दुख को देखने की कोशिश ही नहीं की और आज मरने के बाद मुझे इनके दुख का अंदाजा हो रहा है, इसलिए अब मैं इन्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता, मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना होगा। इतना कहकर वो कौवा महेश के पास जाता है और कहता है, तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे पर तुम हम लोगों की मदद कैसे करोगे, तुम तो एक कौवा हो, भला तुम हम लोगों की मदद कैसे कर सकते हो? उसकी चिंता तुम लोग मत करो, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। इतना कहकर वो कौवा इधर उधर घूमने लगता है, तभी उसकी नज़र एक टूटी हुई नाव पर पड़ती है जो कई सालों से नदी के किनारे पड़ी हुई थी। अरे हाँ ये सही रहेगा, मैं इस नाव पर उन गरीब लोगों के लिए एक घर बनाऊंगा जिसमें वो अपने परिवार के साथ रह सके, लेकिन इतनी जल्दी मैं ये अकेले कैसे कर पाऊंगा, इसके लिए तो मुझे किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। इतना कहकर वो कौवा पेड़ों पर बैठे बाकी पक्षियों से इसके लिए मदद मांगता है। तो क्या तुम सब मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसे बुरे वक्त पर हमें ही तो एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, इसलिए हम सब तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। इतना कहकर वो सारे पक्षी मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं और सभी लोग मिलकर पेड़ों से लकड़ियाँ चुनकर उस नाव की मरम्मत करने लगते हैं और कुछ ही देर में नाव के ऊपर एक सुंदर सा घर बनकर तैयार हो जाता है। सुनो गांव वालों, तुम सब इकट्ठा होकर नदी के किनारे पड़े नाव के पास जाओ, हमने तुम्हारे लिए उस नाव के ऊपर एक सुंदर सा घर बनाकर तैयार कर दिया है। महेश गांव वालों को इकट्ठा करके नदी के किनारे पड़े उस नाव में बने घर के अंदर चला जाता है और उस घर के अंदर गांव के सभी लोग बड़े आराम से रहने लगते हैं, क्योंकि नाव में बना घर पानी में तैर रहा होता है और इसी बीच वो सारे पक्षी पेड़ से फल तोड़कर गांव वालों को लाकर देने लगते हैं, जिस वजह से उन लोगों को खाने की दिक्कत नहीं होती। और ऐसे ही समय गुजरता गया और कुछ ही दिनों में बाढ़ का पूरा पानी सूख गया और वो लोग नाव घर के बाहर आ गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कौवा, आज तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ जिंदा खड़े हैं, तुम हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं हो। महेश के इतना कहते ही भगवान स्वयं वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, सच में मनमोहन तुमने इन गरीबों की मदद करके बहुत पुण्य कमाया है, इसलिए मैं तुम्हें फिर से एक इंसान बना देता हूँ और तुम्हारा टूटा हुआ घर भी तुम्हें लौटा देता हूँ। इतना कहकर भगवान मनमोहन को फिर से एक इंसान का रूप दे देते हैं और ये देखकर गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो सब हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करते हैं और इस तरह भगवान मनमोहन को एक अच्छा इंसान बना देते हैं और वो अपने पैसों से गांव वालों के लिए पक्का मकान बनवाता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग बड़े ही आराम से अपने अपने घरों में रहने लगते हैं और उस दिन के बाद से उस गांव में कोई भी इंसान बेघर नहीं होता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।